मुझे बताओ मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? अरे जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? संजय काका को जिताना है या नहीं जिताना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ सभी लोग, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, श्री राम जय, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बावन कुड़े जी, हमारे एनडीए के वरिष्ठ नेता आरपीआई के अध्यक्ष आठवले साहब, श्री सुरेश खाड़े जी, सदाशिव पाटिल जी, सुहास बाबर जी, राजेंद्र देशमुख जी, सुधीर दादा गाड़गिल जी, निशिकांत पाटिल जी, गोपीचंद पडलकर जी, पृथ्वीराज देशमुख जी, श्री वैभव पाटिल जी, अमर सिंह देशमुख जी, संग्राम सिंह देशमुख जी, तानाजी पाटिल जी, श्री भगवत कराड़, हमारे वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, 7 दिन से आपके साथ है। भगवत जी ने मुझे कान में कह दिया कि अमित भाई ये सीट मोदी जी की झोली में जाने वाली है। और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा राम राम, नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले अरे पहले 400 पार तो करो, 400 पार करो तब होगा ना। भाइयों बहनों, सिद्धनाथ विटा नगरी के रेवंशी, सांगली के देवत गणराय, दोनों को मैं मन पूर्वक प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, महामानव अंबेडकर जी, हमारे जिन्होंने स्वराज का मंत्र दिया, लोकमान्य तिलक जी और परम श्रद्धे वीर सावरकर जी को मन से प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं वसंत दादा पाटिल, श्री राजाराम बापू पाटिल और लोकशाहीर अन्ना बाऊ साठे जी को भी मन से याद करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, दो फेज का चुनाव हो चुका है, सांगली वालों को परिणाम जानना है क्या? क्या है जानना है? देखो, दो फेज में मोदी साहब सेंचुरी लगाकर बहुत आगे निकल गए। अब तीसरा फेज 400 पार करने की मजबूत नींव डालने का फेज है मित्रों, मजबूत नींव डालने का फेज है। और मैं आज यहां कहने आया हूं, मैंने संजय काका को सांगली के लिए मेरे साथ भी लड़ते हुए देखा है, मोदी जी के साथ भी लड़ते हुए देखा। संजय काका 10 साल में जो काम किए हैं इसकी मैं बाद में बात करूंगा, परंतु भाइयों बहनों मुझे बताओ, दो खेमे पड़े हुए हैं, एक खेमा राम मंदिर के विरोध करने वाले का है
और दूसरा खेमा मोदी जी का एनडीए का राम मंदिर बनाने वाला है। भाई बताओ सांगली वालों किसके साथ रहोगे, बताओ जरा। भाइयों बहनों, एक बाजू वोट फॉर जिहाद करने वाले लोग हैं, दूसरी बाजू वोट फॉर विकास करने वाले लोग हैं। एक और अपने परिवार का कल्याण, बेटा बेटी का कल्याण करने वाले लोग हैं, और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में देश का कल्याण करने वाले लोग हैं। एक और राहुल बाबा की चाइनीज गारंटी है, और दूसरी ओर मोदी जी की भारतीय गारंटी है। भाइयों भारतीय गारंटी है। ये चुनाव ये दो खेमों के बीच में होना है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं कि संजय काका को आप जो भी वोट दोगे, इनके नाम के सामने कमल का निशान है। कमल के निशान पर आप बटन दबाओगे तो संजय काका तो जीत ही जाएंगे, परंतु साथ में मोदी जी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाइयों बहनों, तीसरी बार संजय काका को दिया हुआ एक एक वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। आपका दिया हुआ संजय काका को एक एक वोट भारत को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएगा। संजय काका को दिया हुआ एक एक वोट कश्मीर और देश को सुरक्षित बनाने का काम करेगा। भाइयों बहनों, सुरक्षित बनाने। संजय काका को दिया हुआ एक एक वोट करोड़ों गरीबों के जीवन में नया उजियारा लाने का काम करेगा। और मोदी जी जो है, जो बोलते हैं वो करते हैं। मैं आज सांगली वालों को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहां पर हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने 70-70 साल से राम मंदिर को अटका कर रखा, इसके केस को भटका कर रखा, लटका कर रखा। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों जय श्री राम कर दिया। भाइयों और बहनों, 500 साल के बाद रामलला के बर्थडे पर, रामनवमी पर, भगवान श्री राम के कपाल पर सूर्य का तिलक देखकर पूरा देश भक्ति से गदगद हो गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार शरद पवार जी ने भी किया, उद्धव ठाकरे जी ने भी किया, राहुल बाबा और प्रियंका गांधी ने भी किया। मुझे बताओ, जो राम के प्राण प्रतिष्ठा में न जाए इसके साथ सांगली के लोग रह सकते हैं क्या? जरा जोर से बताओ भाई, रह सकते हैं क्या? मोदी जी ने न केवल राम मंदिर बनाया, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर फिर से सजाया, सोमनाथ का मंदिर सोने का कर रहे हैं, बद्री धाम, केदार धाम और बाबा महाकाल का दरबार सजाने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और बम धमाके कर चले जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। 2014 में आपको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया आपने,
उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर पाकिस्तान वाले भूल गए कि अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घर में पाकिस्तान के घुसकर आतंकवादियों को सफाया करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, माताओं बहनों को, मातृशक्ति को 33% विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण देने का काम नरेंद्र भाई ने किया। मैंने आज संजय काका को कहता हूं, संजय काका एक बार चुनाव लड़ लो, अगली बार शायद आपकी जगह कोई महिला का नंबर लग जाएगा, कोई गारंटी नहीं है भाई। 33% आरक्षण मातृशक्ति को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 3 तलाक को हटाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। PFI पर बैन लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। माताओं भाइयों बहनों, आज मैं NDA के इस मंच पर से नकली शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी को स्पष्ट पूछने आया हूं। उद्धव जी, आप महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करिए, CAA लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, PFI पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, राम मंदिर बना अच्छा हुआ या बुरा हुआ, CAA आया अच्छा हुआ या बुरा हुआ, और 3 तलाक हटा ये अच्छा हुआ या बुरा। मैं आपको बता देता हूं, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, उद्धव जी इसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनको अपनी नई वोट बैंक का डर है, नई वोट बैंक का डर। आपको मालूम है उनकी नई वोट बैंक कौन है भाई? मालूम है या नहीं है? जो शरद पवार और कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक थी, वो अब उद्धव ठाकरे की वोट बैंक हो गई है, जो ना पाकिस्तान का विरोध करेंगे ना कश्मीर में तिरंगा फहराने की बात करेंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस 10 साल में करोड़ों गरीबों के लिए ढेर सारे काम करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाया, 4 करोड़ लोगों को घर दिया, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा किसी भी ऑपरेशन का दवाइयों का खर्च आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। भाइयों बहनों, सांगली वालों मुझे बताना, कोरोना का टीका आप लोगों का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा हाथ ऊपर कर बताओ, किस किस का दोनों टीका लग गया है भाई? लगा है ना? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर 25 पैसे भी लिए बगैर समग्र देश को कोरोना का टीका लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उस वक्त ये राहुल बाबा कहते थे टीका मत लगाओ, ये मोदी टीका है। ये तो अच्छा है, सांगली वाले राहुल बाबा की सुनते नहीं है, सभी ने टीका लगा दिया। जब राहुल बाबा ने देखा कि पूरा देश टीका लगा रहा है, एक दिन रात को जाकर
बहन के साथ अंधेरे में खुद भी टीका लगाकर आ गए भैया। अरे राहुल बाबा शर्म करो शर्म करो, कोरोना जैसी महामारी में आप राजनीति करते हो। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन की इजाद से लेकर वैक्सीन लगाने तक पूरा परिश्रम कर हमारे 130 करोड़ लोगों के भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब इतना पूछना चाहता हूं कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल क्यों बंद हो गई? इसका जवाब शरद पवार जी को देना चाहिए। भाइयों बहनों, शरद पवार जी को मैं ये भी पूछना चाहता हूं, टेम्पू सिंचाई योजना 98 में काम हुआ था, 1998 में 2014 तक कुछ नहीं हुआ, 14 से 24 में 2109 करोड़ रुपया खर्च हुआ और मोदी सरकार ने इसके लिए 1188 करोड़ रुपया दिया, इससे 2 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होने वाली है। मित्रों, ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैसाल सिंचाई योजना 65 गांवों के 95,000 एकड़ जमीन को सिंचाई का फायदा मिला और बिजली की आपूर्ति के लिए 200 मेगावाट का सोलर बिजली प्रोजेक्ट भी यहां लाने का काम हमारे संजय काका ने किया। भाइयों बहनों, ये संजय काका देखने में ऐसे लगते हैं दिल्ली में सांगली के लिए मजबूती से पक्ष रखने वाला आदमी संजय काका है। पुणे बेंगलोर ग्रीनफील्ड हाईवे सांगली जिले में 74 किलो का रोड आएगा, 21,000 करोड़ रुपया है। पुणे मीरज लोंडा रेल लाइन 4670 करोड़ रुपया, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग का काम शुरू हो गया। 300 करोड़ से मीराज जंक्शन को अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने का काम शुरू हो गया। 25 करोड़ से सांगली के रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है। 257 करोड़ से सांगली में 8 नए फ्लाईओवर बन रहे हैं और प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत 4 लाख परिवारों को, लगभग 12 लाख लोगों को सांगली जिले में मुफ्त 5 किलो अनाज देने का काम भी हमारे संजय काका ने किया है। 4 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया मिल रहा है। 9,40,000 नागरिकों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार देती है और 17,000 गरीबों को घर देने का काम भी इन्होंने किया है। 14 जन औषधि केंद्र बनाए जिससे 80% सस्ती दवाइयां मिलती है। 1 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और 1,18,000 शौचालय गरीब के घर में बनाने का नाकाम हमारे संजय काका ने किया है। मित्रों, इतने काम तो मेरी गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी नहीं हुए हैं, इतने काम सांगली में संजय काका लेकर आए। भाई और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब पवार साहब को कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए भी सवाल करना चाहता हूं। आज महाराष्ट्र में 202 चीनी मिली थी, पवार साहब जवाब दो, क्यों 101 ही बची है, क्यों बंद गई? 10 साल आप कृषि और कोऑपरेटिव के मंत्री थे, आपने क्या किया? और पश्चिम महाराष्ट्र गन्ने का क्षेत्र है, आपको हमेशा जिताकर भेजा मगर आपने चिंता नहीं की।
34 जिला बैंकों में से सिर्फ 3-4 बची, बाकी सब जगह एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं। पवार साहब किसकी गलती है, क्यों एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं? भाइयों और बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, मोदी जी ने सहकारी चीनी मिलों के पर इनकम टैक्स का 15,000 करोड़ रुपया माफ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इथेनॉल की फैक्ट्रियों का इथेनॉल प्रायोरिटी में खरीदा और अब वरीयता देने के साथ साथ इथेनॉल के रेट देकर भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। अब G20 प्रेसिडेंसी में अमेरिका और ब्राजील के साथ ग्लोबल बायोफ्यूअल अलायंस बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं कुछ मोदी गारंटी भी बताना चाहता हूं। मोदी जी ने किया है, कहा है कि यहां पर टमाटर, आलू और सब्जियां, इसकी नए क्लस्टर सांगली जिले में यहां पर खड़े किए जाएंगे। और भाइयों बहनों, इसके साथ साथ संजय काका ने, अभी मैं कह नहीं सकता, कोड ऑफ कंडक्ट है, मगर मैं ये बात बताकर जाता हूं, 1,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट वाला एक नया बड़ा प्रोजेक्ट भी हमारे सांगली एरिया में लाने का काम संजय काका ने किया। भाइयों बहनों, मैं आज इंडी अलायंस वालों को पूछना चाहता हूं, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर भगवान न करे इनको अगर बहुमत मिल गया तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप मुझे बताओ, शरद पवार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? जोर से बोलो, बन सकते हैं क्या? ममता दीदी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? सांगली वालों, आप भी सोचो, कौन बनेगा? बनना तो मोदी ने ही है, मगर जब पत्रकारों ने पूछा, इनके एक जोकर जैसे नेता ने कहा, बारी बारी बन जाएंगे। अरे सांगली वाले, सोचो, ये परचूरण की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का भारत देश है, किसी भी संकट में नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व चाहिए जो देश को हर संकट से बाहर लेकर जाए। ये 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद एक भी, जिन पर 25 पैसे का भी करप्शन का आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी का कंपटीशन करना चाहते हैं। भाई और बहनों, ये राहुल बाबा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ते ही विदेश वैकेशन में चले जाते हैं, और दूसरी ओर मोदी जी है जो 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद पर जवानों के साथ रहकर देश की सुरक्षा की चिंता कर सकते। एक और मोदी जी है जो नॉर्थ ईस्ट जैसे दुर्गम क्षेत्र के अंदर 70 बार जा चुके हैं, 70 टाइम, और मोदी जी के पहले 65 साल में सारे प्रधानमंत्री मिलकर 22 बार गए। मुझे बताओ, ये मोदी जी की स्पर्धा कर सकते हैं? भाइयों बहनों, ये देश बारी बारी चलाना चाहते हैं। मैं इंडिया अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, भारत देश ये परचूरण की दुकान नहीं है, यहां एक मजबूत नेतृत्व चाहिए जो भारत को सुरक्षित करे, भारत को समृद्ध करे और भारत को दुनिया में नंबर एक पर पहुंचाने का काम करे। और वो अद्भुत नेतृत्व एक और एक हमारे नेता, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और कोई कर नहीं सकता मित्रों, और कोई कर नहीं सकता।
भाई और बहनों, मुझे बताओ मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? जोर से बोलो जरा, दोनों हाथ उठाकर, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? संजय काका को जिताकर पार्लियामेंट में भेजोगे क्या? देखो सांगली वालों, कमल पर बटन तो दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन सांगली में दबे और करंट इटली में जाकर लगे। दबाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। धन्यवाद है महाविजय संकल्प सभा। आता आपल्याला हाथ उंचावून अभिवादन करता है आदरणीय अमित जी भैसा, चंद्रशेखर जी बावनकुळे, संजय काका पाटील, भागवत जी कराड, रामदास जी आठवले, वैभव जी पाटील, सुहास जी भैया, डॉक्टर सुरेश भाऊ काडे।